सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी वाली बुक में से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि रेस्पिरेशन से संबंधित है। आप सामान्य रूप से पहले अध्ययन कर चुके हो कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को हम तीन भागों में अध्ययन करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और ETS। इसमें से आज हम सबसे पहला जो पार्ट है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि जो रेस्पिरेशन है ये एक प्रकार की कैटाबॉलिक अभिक्रिया है। कैटाबॉलिक का मतलब ये हुआ जिसे हम अपचय अभिक्रिया कहते हैं या विदलन होने वाली जिसमें मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं। ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पादित होती है, और ऑक्सीडेटिव मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया। अब जो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे उसमें जो ये प्रक्रिया होती है वो ग्लूकोज से शुरू होती है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आज मुख्य रूप से हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है ये एरोबिक और एनएरोबिक, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जब उपस्थित हो या ऑक्सीजन अनुपस्थित हो दोनों ही प्रक्रियाओं में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। इसको हम कह सकते हैं कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं करती। सामान्य रूप से हम रेस्पिरेशन में ये कहते हैं कि ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर नहीं होती। मतलब ये हुआ कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होगी। पूरी प्रक्रिया में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है उससे पाइरूविक एसिड का निर्माण होता है जो कि 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में जो शुरुआती पदार्थ होगा इनिशियल वो ग्लूकोज होगा और एंड प्रोडक्ट क्या होगा, पाइरूविक एसिड होगा। तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल गई। अब पाइरूविक एसिड बनने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में प्रवेश करेगा, और क्रैब साइकिल में प्रवेश होने के बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है यानी संपूर्ण ऑक्सीकरण जिसे कहते हैं, और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन पाइरूविक एसिड बनने के बाद अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो तब क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन है या ऑक्सीकरण है वो संपूर्ण नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो इथाइल अल्कोहल जिसे हम C2H5OH कहते हैं या लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का भी इसमें निर्माण होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया एरोबिक और एनएरोबिक दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित होने के बाद ये संपूर्ण ऑक्सीजन हो जाता है पाइरूविक एसिड का, और ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो ऑक्सीकरण इसका पूर्ण नहीं होता है। और इसमें जो एनर्जी उत्पादित होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बनिस्पत इसमें एनर्जी है वो कम मात्रा में उत्पादित होती है। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। जैसा कि 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखें कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का होता है पाइरूविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म या जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं उसमें चलती है, ये ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तीसरा, इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। 3 वैज्ञानिक थे, एमडेन, मेयरहॉफ और पारनास, इन तीनों ने इसकी खोज की थी, इस वजह से इसे हम EMP पाथवे भी कहते हैं। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया में 10 स्टेप सम्मिलित है। कौन कौन से स्टेप है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। सभी स्टेप्स के अंदर एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, एक ऐसा स्टेप है जिसमें एंजाइम का उपयोग नहीं होता है। जो 10 स्टेप है उसमें से 9 में एंजाइम वो प्रयुक्त होंगे। सभी चरण हैं वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब जिसे हम हिंदी में उत्क्रमणीय कहते हैं। 3 स्टेप होते हैं जिसमें पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा, आगे मैं बताऊंगा एक एक स्टेप के बारे में अध्ययन करेंगे, इन तीनों के अंदर ये स्टेप जो रिवर्सिबल नहीं होंगे। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ग्लाइकोलाइसिस की तो ATP का जो शुद्ध लाभ है वो 2 ATP जिसे हम नेट ATP कहते हैं, और टोटल जो ATP का उत्पादन होगा वो 8 ATP का होगा। टोटल जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, 8 ATP, वो कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आप यहाँ देखें, ये मैंने ग्लाइकोलाइसिस की जो पूर्ण अभिक्रिया है उसको दिखा रखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया इसमें 10 स्टेप है, तो एक एक स्टेप का हम अध्ययन करेंगे। अब
जो अभिक्रिया है या जो पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें सबसे पहला ग्लूकोज से ही स्टार्ट होती है और ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के वन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एक एंजाइम है जिसे हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो पहला स्टेप है, यहाँ मैंने लिख रखा है फर्स्ट स्टेप, इस फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो एडीपी मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में परिवर्तित होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इसमें निर्मित होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पहले स्टेप में जब ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो रहा है तब एक एटीपी खर्च हो रहा है। दूसरा स्टेप के अंदर हम क्या देखेंगे, यहाँ दिख रहा है दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में यहाँ के एंजाइम लिख रखा है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, या जिसे हम समावयविक एंजाइम के नाम से जानते हैं। उस समय ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा, इसका भी एक मॉलिक्यूल बनता है। तीसरे स्टेप में एक एंजाइम, आपको हर स्टेप के अंदर एंजाइम का याद रखना है और वो स्टेप याद रखना है जहाँ पे ऊर्जा एटीपी खर्च हो रही है या एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो गया और यहाँ पे भी एक एटीपी का मॉलिक्यूल खर्च हुआ, जिसको हमने लिख रखा है एटीपी खर्च हुआ और एटीपी एडीपी में प्रयुक्त हो गया। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो तीसरा स्टेप है वो पहले स्टेप की पुनरावृत्ति है, एटीपी का खर्च हो जाना है और काइनेज एंजाइम है वो मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। अब आप देखें कि एक बार जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का विदलन होगा, या जिसे हम विदलन कहते हैं, टूट जाता है और ये टूटने से दो मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा? पहला मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरॉलाइड, इसका वन मॉलिक्यूल बनेगा और दूसरा जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसका भी वन मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वन मॉलिक्यूल। ये दोनों जो कंपाउंड है, कौन सा, 3PGAL 3-फॉस्फोग्लिसरॉलाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन ये DHAP तुरंत फॉस्फेट ट्रायोज आइसोमरेज की मदद से किस में परिवर्तित हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉलाइड में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ मैंने एंजाइम का नाम लिख रखा है, यानी इसका समावयवीकरण होता है। जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन दोनों मॉलिक्यूल में टूटेगा तब जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसको हम बोलते हैं एल्डोलेज। तो अपन ये कहेंगे कि अपने पास एक मॉलिक्यूल 3PGAL का बना, एक DHAP के बना, लेकिन DHAP वापस किस में परिवर्तित हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉलाइड में। तो यहाँ मैंने लिख रखा है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है और दो मॉलिक्यूल, यहाँ मैंने दो मॉलिक्यूल लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉलाइड फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉलाइड में परिवर्तित हो जाएगा, यानी दो फॉस्फेट इससे रिलीज हो जाएंगे। और ये पांचवा स्टेप जो मैंने बताया है इसमें किसी प्रकार के एंजाइम की प्रयुक्त किसी प्रकार का एंजाइम है इसमें प्रयुक्त नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले बताया था कि 10 स्टेप में से एक ऐसा स्टेप है जिसमें एंजाइम है वो प्रयुक्त नहीं होता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉलाइड ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो गया, यानी डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, दो हाइड्रोजन इससे बाहर निकलेंगे और दोनों हाइड्रोजन को NAD ग्रहण करके 2NADH2 का निर्माण इस स्टेप में होगा। इसके भी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यहाँ मैं लिख रखें दो मॉलिक्यूल। अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफोरेलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो गया, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन इस जगह 2 ATP मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ। ये पहला स्टेप है जो कि स्टेप नंबर 7 है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान 2 ATP का निर्माण हुआ। इससे पहले वाले में जो स्टेप हमने पढ़े थे उसमें 2 ATP यूज हुए थे। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का समावयवीकरण होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में और आपके पास एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के, जिसे हम 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। ये जो स्टेप है ये 8 नंबर स्टेप होगा। 9th स्टेप में क्या होगा कि 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में परिवर्तित हो गया। इसके भी आपके पास कितने मॉलिक्यूल बने, दो मॉलिक्यूल इसके भी आपके पास बन गए। तो ये जो 9th स्टेप है इसमें इसको हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो यहाँ पे बाहर निकल रहा है इस अभिक्रिया में। अब 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड 10th स्टेप में जो एंड प्रोडक्ट है जो पाइरुविक एसिड कहते हैं उसमें परिवर्तित हो गया। पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसके आपके पास दो मॉलिक्यूल निर्मित हो गए। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 ATP का निर्माण हो गया और एंजाइम जो है उसको हम बोलते हैं पाइरुवेट काइनेज। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया है इसको आप संपूर्ण रूप से जब पढ़ते हैं तो संपूर्ण अभिक्रिया में आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ देखोगे कि एक या स्टेप है जिसमें ATP खर्च हो रहा है, इस स्टेप में ATP खर्च हो रहा है, इस स्टेप के अंदर 7th स्टेप के अंदर ATP का निर्माण होता है दो मॉलिक्यूल का, और
अंतिम स्टेप में 2 एटीपी का निर्माण हो गया। तो अपन ये कहेंगे कि अपने पास 4 एटीपी है उसका निर्माण हुआ, लेकिन अपने पास 2 एटीपी है वो खर्च हो गए, तो अपने पास जो शुद्ध लाभ कितना हो गया, 2 एटीपी का लाभ हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि स्टेप नंबर 6 जो आपको यहाँ दिखा रखा है, स्टेप नंबर 6 यहाँ पे 2 NADH2 के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया, और हम जानते हैं कि 1 NADH2 अगर ETS में प्रवेश करता है तो वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 NADH2 कितने के बराबर है, बराबर 3 ATP। तो अब अपने पास कितने मॉलिक्यूल बन गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर NADH जो 2 बना है ETS में, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ETS में प्रवेश करता है तो 6 ATP अपने को और प्राप्त हो सकते हैं। ये कब प्राप्त होंगे, जब आगे जिसको हम बोलते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो। तो आज हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अध्ययन किया, जिसमें ग्लूकोज ये रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होता है, जिसमें ग्लूकोज अंत में पाइरूविक एसिड में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट में इसका जो रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप है जिसे हम क्रैब साइकिल कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।